हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियोस फॉर यू में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें और साथ ही में ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फाइंड माई डिवाइस के बारे में कि एक्चुअल में फाइंड माई डिवाइस कैसे वर्क करता है। मान लीजिए आपका फ़ोन अगर चोरी हो जाए या आप कहीं भूल गए तो उसको कैसे ट्रैक कर सकते हो, कैसे पता चलेगा कि आपका फ़ोन कहाँ पर है। ठीक है, हर एक चीज की मैं आपको डिटेल दूंगा, तो आ जाओ मेरी फटाक से मेरी स्क्रीन पे। हाँ दोस्तों, तो ये है मेरा एंड्रॉयड स्मार्टफोन है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इनके सेटिंग्स ऑन करने रहते हैं और क्या क्या इनकी टिप्स एंड वो ट्रिक्स है कि आप कैसे इसको मतलब ट्रैक कर पाते हो। तो चलो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए, जैसे आप देख रहे हैं मेरे फ़ोन में सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको रहना होगा प्राइवेसी के अंदर जाना है। प्राइवेसी में एक प्रोटेक्शन करके ऑप्शन रहेगा, प्राइवेसी प्रोटेक्शन, वहाँ पे आपको फाइंड माई डिवाइस के ऊपर क्लिक कर देना है। फाइंड माई डिवाइस पे जैसे ही आपने क्लिक करोगे यहाँ पर बाय डिफॉल्टली ऑन रहेगा। हाँ, क्योंकि ये ऑन क्यों है, क्योंकि कोई भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन के अंदर जब भी आप जीमेल आईडी एनसेट करते हो, जीमेल आईडी को कॉन्फ़िगर करते हो, तो उसके साथ ही साथ बैकग्राउंड में फाइंड माई डिवाइस भी ऑन हो जाता है। तो कहीं अगर फ़ोन में नहीं हुआ है तो आप इसके साथ भी इसमें आप एक्टिव कर सकते हो, यहाँ से ऑन और ऑफ़ कर सकते हो। जैसे ही आपने यहाँ से ऑन कर दिया, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली बस यहाँ से बाहर चले जाना है। आप क्लियर कर दीजिए। अब भी मान लीजिए कि मेरा फ़ोन कहीं गुम हो गया, या समझ लीजिए कि मैं कहीं भूल गया हूँ, या मुझे ट्रैक करना है तो मेरा फ़ोन भी साइलेंट है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा फ़ोन कहाँ है या चोरी हो गया है, कहीं मैं भूल गया हूँ, मेरे रूम में दूसरे रूम में पड़ा है, ड्रॉवर में है, कहाँ पे है। तो वो देखने के लिए आ जाओ मेरी दूसरे मोबाइल पे, जो मेरे दोस्त का फ़ोन मैंने यूज़ किया। आप चाहो तो उसमें लैपटॉप, डेस्कटॉप या व्हाटएवर कोई भी जहाँ पे वेब ब्राउज़र रहता है वो आप डिवाइस यूज़ कर सकते हो। तो आ जाओ मेरी दूसरी स्क्रीन पे। जी दोस्तों, तो जैसे ये मेरा दूसरा फ़ोन है, मैंने यहाँ पे फ़ोन लिया हुआ है, और जैसे मुझे यहाँ पे अभी मान लीजिए कि मेरा फ़ोन ट्रैक करना है, मुझे चेक करना है, तो यहाँ पे भी मुझे सिंपलीफाई स्वाइप अप करके मुझे क्रोम ओपन करना है। क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पे मुझे सिंपली यहाँ पे खाली सर्च करना है फाइंड माई डिवाइस, ये रहा ऑटोमेटिकली आ गया। जैसे यहाँ पे सर्च करूँगा पहला ऑप्शन आएगा www.google.com का, जहाँ पे आपको खाली सिंपलीफाई क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे मांगेगा जीमेल आईडी, जो मेरा फ़ोन मुझे ढूंढना है, वहाँ पे जो मैंने जीमेल आईडी मैंने इंसर्ट किया हुआ था वो मुझे यहाँ पे ज़रूरत रहेगी। तो यहाँ पे मैं मेरा जीमेल आईडी डाल रहा हूँ। फिर यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, मैंने यहाँ पे पासवर्ड भी दे दिया। चलो मान लीजिए ये हो गया मेरा पासवर्ड, क्या नेक्स्ट। जैसे मैंने पासवर्ड इंसर्ट किया, यहाँ पे पूरा फाइंड माई डिवाइस ऑन हो जाएगा। जैसे ही आप इंसर्ट करते हो ना, तो यहाँ पे आ गया यू कैन डाउनलोड द फाइंड माई डिवाइस एप्लीकेशन। अगर आपका खुद का दूसरा फ़ोन है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे डिसमिस करके इसको छोड़ सकते हो। फिर जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका फुल स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा है कि एग्जिट मेरा ये लोकेशन है, कि यहाँ पे मेरा फ़ोन ये एरिए में है। एग्जिट लोकेशन तो यहाँ पे नहीं आता है, बट आपको एक एरिया कंफिगर कर देगा कि ये एरिया में आपका लास्ट लोकेशन था। आशा करता हूँ कि ये आप समझ गए होंगे। जैसे मैं जूम आउट कर रहा हूँ, जूम आउट के बाद यहाँ पे मेरा फ़ोन का नेम आ रहा है, फिर यहाँ पे लास्ट सिम है कि कब मैंने लास्ट सिम यहाँ पे ऑन किया था, उसके बाद है जियो 4G, उसके बाद 66% बैटरी है। यहाँ पे मेन है ये तीन चीज़ें जो है, प्ले साउंड, सिक्योर डिवाइस और इरेज डिवाइस लिखा हुआ है। इरेज डिवाइस में क्या होगा कि आप अपना फ़ोन को फॉर्मेट कर सकते हो, ताकि अगर गलती से भी कोई फ़ोन आपका चोरी करके गया है या तो किसी को मिलता है, तो वो आपका डेटा का मिसयूज़ नहीं कर पाए। एक आपका बेस्ट फ्यूचर है जहाँ पे आपका प्राइवेसी फुल्ली सिक्योर हो जाएगा। फिर बात करते हैं सिक्योर डिवाइस की, तो मैं आपको वन बाय वन पॉइंट्स इसमें समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने अभी समझ लीजिए मैं प्ले साउंड कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही मैं प्ले साउंड करूँगा ना, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरा जो फ़ोन है वहाँ पे एक रिंग बजेगी, एकदम हाई रिच में रिंग बजेगी, जिसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा ना तभी वो स्टॉप होगी। जैसे मान लीजिए कि मेरे दूसरे फ़ोन में स्लाइड में आप देख रहे होंगे, ठीक है, जैसे मैंने वहाँ पे क्लिक कर दिया वहाँ पे वो स्टॉप हो गया। एंड देन यहाँ पे आप बैक कर दीजिए। फिर है सिक्योर डिवाइस। सिक्योर डिवाइस में क्या होगा, यहाँ पे रिकवरी मैसेज में रख रहा हूँ कि हाई प्लीज़ कॉल मी, ठीक है, ऑप्शनल में मेरा कोई भी एक नंबर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। सिक्योर डिवाइस पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा मैसेज चला जाएगा मेरे ओ वाली स्क्रीन पे, और यहाँ पे एक लॉक स्क्रीन आ जाएगी, वहाँ पे हाई प्लीज़ कॉल मी, आप कुछ भी कस्टमाइज़ कर सकते हो कॉल ऑनर, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आ गया, जैसे ही यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा मेरे दूसरे फ़ोन पे, तो जो भी होगा वहाँ पे उनका कॉल चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसमें सेट कर सकते हो। फिर है इरेज डिवाइस। इरेज डिवाइस में जैसे क्लिक करूँगा, इरेज डिवाइस करूँगा तो मेरा जो भी फ़ोन है
वो पूरा वाइप हो जाएगा, यानी कि पूरा फोन फॉर्मेट। जब भी आपको वो अगर फोन मिलता है तो वहाँ पे वापस आपको गूगल आईडी का पासवर्ड डालना जरूरी रहेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे बेफिक्र होकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये पसंद आया कि नहीं आया है, ठीक है। आशा करता हूँ, चलो दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू।